समाज में निजी स्वार्थ को लेकर धार्मिक उन्माद और नफरत को खत्म करने के प्रयास में लगे हैं नेपाल के एक शिव भक्त रामप्रीत यादव। रामप्रीत का कहना है कि सभी लोगों को सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहिए, साथ ही उन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों से सावधान रहने को भी कहा। इसी प्रयास में रामप्रीत साल 2008 से लगातार अमरनाथ की परिक्रमा पर निकल जाते हैं। नेपाल तो ये कहाँ तक जाएंगे? अमरनाथ। क्या उद्देश्य है इसका, क्यों यात्रा कर रहे हैं? उद्देश्य यही है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिल के धर्म करो, सब है भाई भाई। कोई नेता का पीछा में नहीं पड़ो, तो कोई राम मंदिर को पीछा में नहीं पड़ो। अल्लाह का पूजा होता है तो राम जी का पूजा होता है, और राम जी का पूजा होता है तो अल्लाह का पूजा होते हैं। हम लोग कहते हैं राम तो वो कहते हैं रहमान, हम कहते हैं शंकर तो वो कहता है मक्का मदीन वाले, सब एक ही है भगवान। कितने दिन में आप पहुंचेंगे वहाँ? 11 महीना में पहुंचेंगे। 11 महीना? 11 महीना। तो ये परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं? हाँ, परिक्रमा होकर जाते हैं। कोई रास्ते में कोई समस्या, कोई रुकावट? समस्या होते रहते हैं, कोई पत्थरों मार देते हैं, कोई बबो कहते हैं, कहीं पर 4 दिन खनो नहीं मिलते हैं सर। कैसे ये सब करते हैं? सब ऊपर वाले का कृपा है, परमात्मा का कृपा है, परमात्मा भरोसे चल रहा है। कोई 10-20 भी दे देते हैं, कोई गाली भी दे देते हैं, कोई बात भी कह देते, कोई रहने नहीं देते, रात होने देते हैं। अच्छा, कैसे सोचे ये सब? सब ऊपर प्रभु का सोच है सर। जैसे बाबा का सोच है, जैसे बुलाते हैं वैसे जा रहा है। कोई एक बार नहीं कर सकते, हम 13 बार कर चुके हैं सर।